हज़रत साहब फतह मक्का हुआ है, क्या हुआ है? खाने काबे में 360 बुत रखे हुए थे, सब बुत गिरा दिए गए, सब बुत। एक बुत बहुत बड़ा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पर सवार हों और इस बुत को तोड़ दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। जब सिद्दीक की बारी आई, हिजरत की रात है, तो ये नहीं फरमाया सिद्दीक तू बोझ नहीं उठा सकता, अरे ये शान सिद्दीक है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के कंधों पर सवार हैं और गारे सौर में जा रहे हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, शान सिद्दीक समझ नहीं हो तो गारे सौर पर चढ़ के देखो। जो हजरात वहां से होकर आए हैं मेरी बात समझ रहे हैं, खाली हाथ, कोई वजन नहीं उठाया हुआ, एक हाथ में बोतल होती है, वो फजर पढ़ के ही चढ़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं सा चढ़ जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर चढ़ते हैं, हालांकि अब एरो के निशान लगे हुए हैं, इधर जाओ इधर जाओ, सीढ़ियां बनी हैं, रास्ते बने हैं, इसके बावजूद बड़े से बड़ा पहलवान एक सांस में अकेला नहीं चढ़ सकता। सिद्दीक तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, अरे रात का वक्त है और कंधों पर सरकार को उठाया हुआ है और चल किस तरह रहे हैं, एड़ी जमीन पर नहीं लगा रहे कि एड़ी की धमक से मेरे आका को तकलीफ ना पहुंचे, पंजों के बल चलते हुए एक ही सांस में गारे सौर पहुंचे। ऊंची आवाज से लो, शाने सिद्दीक के अकबर, शाने सिद्दीक के अकबर। और अगली बात सुनो, आप जिस घर में रहते हो, फर्श लगे हुए हैं पक्के, कोई सुराख नहीं है, कमरे में सैकड़ों मरतबा आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, लेकिन रात के वक्त बत्ती चली जाए, उसी कमरे में जाते हुए ऊंची बोल दो यार, सिद्दीक तेरी अजमत पर कुर्बान जाए। अरस कहता है, यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बैठ ठहरे, मैं गार में पहले जाता हूँ, जो तकलीफ पहुँचाने वाला मुझे तकलीफ पहुँचाए, आपको तकलीफ ना पहुँचे। बात करना बड़ा आसान है, अमली जामा पहनाना है, 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 है। अंदर तशरीफ ले जाते हैं, सारे सुराख बंद कर देते हैं, अपनी कमीज फाड़ के भी सुराख बंद कर रहे हैं, दो सुराख फिर भी बच गए, उस पे दोनों एड़ियां रख देते हैं और फिर अर्ज़ करते हैं, यार आप अंदर तशरीफ़ ले आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक मैं आराम करना चाहता हूँ। सिद्दीक ने अपना जानू फैला दिया है, यार वो मंजर क्या होगा, सरकार का रुखे अनवर सिद्दीक की झोली में है, अरे रुखे अनवर वो क्या है, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना के तजल्लियों की हम आगी, अरे रुख मुस्तफ़ा वो है जहां अल्लाह ताला की तरफ से अनवारों तजल्लियात उतर रहे हैं, अरे वो अनवारों तजल्लियात उतर कर मुनकस होकर जिसके चेहरे पर पड़ रहे हैं वो सिद्दीक का चेहरा।
ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे नहीं कह दिया कि आसमान के सितारों की तादाद के बराबर नेकियाँ मेरे उम्र फारूक की हैं और उम्र फारूक की सारी नेकियाँ एक तरफ हो, सिद्दीकी गार वाली नेकी सब कर ले जाती।